खटीमा कुटरा गांव में एटीएम गार्ड की मौत का मामला सामने आया है। इसमें खुलासा हुआ है। बता दें कि सीबीआई ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। आपको बताने के लगभग 3 वर्ष पूर्व एटीएम गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी तथा गार्ड का शव कुटरा गांव में उसके घर से कुछ दूरी पर पड़ा मिला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को शिकायत की थी। 2019 में कौन से जिसकी मृत्यु रामपुटा में हुई थी, उसकी मृत्यु के संबंध में उसके परिजनों द्वारा कुमार थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें शक के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ उन्होंने तहरीर दी थी। प्रारंभिक जांच के बाद इसकी विवेचना सीबीएसई के सुपुर्द की गई थी। अभी सीबीएसई द्वारा साक्ष संकलन कर और इस मुकदमे में 3 लोगों को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है और उनको मान्यता पेश किया है।